सास क्या कहती है और बहू क्या जवाब देती है। आइए बड़ी सुंदर सी सुनने लायक बात है। आइए किस तरह से सास बहू में जवाब सवाल है। आइए सासू माँ, सबसे पहले आपकी इस बेटी का, आपकी इस लाडो का आपके चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम है, नमस्कार है। सासू माँ खुश रहो बहू। कहिए सासू माँ। बहू लाजवंती, आज ये माँ अपने पुत्र वधु से कुछ मांगने के लिए आई है। सासू माँ, अगर कुछ जरूरी ही काम था तो मुझे अपने पास बुला लिया होता, आपने यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया। मांगिए सासू माँ, काम आप क्या मांगना चाहती हो मुझसे। काम ऐसा था बहू, मेरा आना बहुत जरूरी था, आज ऐसी दुविधा में फंसे हैं हम, जो तुम्हारा धर्म पिता है, तुम्हारा ससुर राजा मौरधज, और मैं तेरी धर्म माता, तेरी सास, हम ऐसी एक दुविधा में फंसे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ तू हमें निकाल सकती है। आखिरकार बात क्या है सासू माँ। आज द्वार पर दो साधु आए, उन संतों ने भोजन करने की जिद की और तुम्हारे ससुर ने हाँ भर ली, लेकिन उन संतों ने वचन भराए कि हम तुम्हारे घर का भोजन जब ग्रहण करेंगे कि जब जो हमारे साथ में ये भूखा शेर है उसके सामने तुम अपने एक लौते पुत्र का मांस काट कर इसे हमारे शेर को खिलाओ तो ही हम आपके घर का भोजन ग्रहण करेंगे। ये क्या क्या है? मेरा जो बेटा है धीरधज, उस पे अब हमारा हक नहीं, अब तुम्हारा भी हक है, इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारा सुहाग अपना बेटा मांगने के लिए आई। ये क्या कह रही हो सासू माँ? क्या ये सब कहने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर उस अपने इकलौते पुत्र को सिंह की भेंट चढ़ा दोगे तो मेरा क्या होगा? सासू माँ, मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छुट्टी और ना ही मेरे हाथों का कंगना खुला है, आपके वंश में लागे कैसे चलेगी सासू माँ? अगर आपको यही मजाक करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, ये ऐसा मजाक करते हुए आप अच्छी नहीं लगती सासू माँ, आप यहाँ से जा सकती हो, मैं अपने पति को आपके दान में नहीं दे सकती सासू माँ। लेकिन बहू, तुम्हारे धर्म पिता, तुम्हारे ससुर राजा मौरधज ने उन संतों को वचन दे दिए हैं बहू। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने पति को आपको नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बहू, क्यों इस घर का नाश करना चाहती हो? बेटे की भीख तुमसे मांगती हूँ, मेरा बेटा मेरी झोली में भीख दे दीजिए बहू। एक बार तो सोच कर देखिए सासू माँ, क्यों इस घर का नाश करने पे तुली हुई हो सासू माँ? इस घर का नाश हो जाएगा सासू माँ, ऐसा मत सोचिए और ऐसा मत करिए। क्या होगा, लेकिन ये सासू माँ, ये माँ अपनी बेटी के सामने झोली फैलाकर अपने बेटे की भीख मांगती है, मेरा बेटा मेरी झोली में डाल दीजिए बहू। आपने तो दो शब्दों में कह दिया कि आपको अपना बेटा चाहिए, लेकिन मेरी बात भी सुनिए सासू माँ। कह दे बहू। हो मते झुलमे करे मेरी सास नास खुद घर का करे ना चाहे भरवा धोखे में
फिर पाछे फकीर मांगे राज पाट चाहते कौन वो ना दौलत जागीर मांगे शेर ने जिमावण खातिर मेरे पेटे का शरीर मांगे शेर ने जिमावण खातिर मेरे पेटे का शरीर मांगे हर साधुआ का के बहकाना झोली भीख घाल दो राजी हो के शेर खावे बकरा ला के डाल दो इतने में भी इतने पे भी ना माने तरी धक्का दे निकाल दो इतने में भी ना माने दे धक्का दे निकाल दो हो ये तो ढोंगी फिरे रे फकीर ये ढोंगी फिरे रे फकीर चीर के चूमे तेरे मरवावे मते कहिए सासु ने कहा कि शेर के आगे कोई बकरा लाकर डाल दो हाँ सासु माँ क्या तेरे ससुर ने ऐसा नहीं किया होगा और तुमने ये भी कहा कि ढोंगी है पाखंडी है और धक्का देकर बाहर निकाल दो अगर राजन ने ऐसा किया तो उसके वचन झूठे नहीं हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता सासु माँ कि वो कोई साधु संत है क्योंकि जो सच्चे साधु संत होते हैं वो किसी के बेटे को दान में नहीं मांग सकते सासु माँ वो किसी को मारने की बात नहीं कर सकते इसलिए मुझे वो ढोंगी नजर आ रहे हैं आप जाइए और पिताश्री से कहिए सासु माँ कि उन साधु संतों को धक्के देकर महलों से बाहर निकाल दो ये नरक मांस खाने वाले पशु नहीं खाया करते सत्यवादी दानवीर धर्म ना डिगाया करते घर आए घर आए साधु संता ने धक्का ना लगाया करते घर आए साधु संता ने धक्का ना लगाया करते बंध जावेगी ठेक हाथों की मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी दिल में करके ख्याल देख किसके ऊपर उम्र कटे मेरे रे छाती ऊपर हाथ देख किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ देख हो घरे बैठी बहू रे जवान घर बैठी बहू रे जवान जान लप चंदा जी शर्मा मत जुलम करे मेरी सास Thank you.
मैं जानती हूँ बहू, अगर हमने अपना एक लौता बेटा उसे संतों के शहर की भेंट में दे दिया तो हमारे कुल का विनाश हो जाएगा, हमारी वंश बेल चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर ये इतनी बड़ी गलती क्यों करने जा रही हो सासु मां? गलती नहीं है बहू, ये राजा के दिए हुए वचन है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो राजा पर से सबका विश्वास उठ जाएगा कि सत्यवादी राजा ये राजा मौरधा जी अपने वचनों का सच्चा नहीं है, झूठा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बेटे से प्यार नहीं करती सासू माँ। अगर आप अपने बेटे से प्यार करती तो ऐसे मेरे पति को मुझसे मांगने के लिए नहीं आती, और अगर आपको अपना बेटा दान में ही देना था तो फिर मुझे शादी करके क्यों लाए इस घर में, क्यों बेटी बनाया, क्यों मुझे इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए सासू माँ? मैं अपने बेटे से, माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करती। दोनों ओर कुआ खाई सब तरिया का ख्याल रही, एक तरफ बेटे की ममता, एक तरफ बेटे की ममता धर्म का सवाल रही। मन नो महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल रही, महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल रही। हर तू तो सासु खाई खेली हो, बेटे ने मरवाना चाहवे झूठा तेरा प्यार री, शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री, शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। हो तू तो दे ओरो ने दात, तू तो दे ओरो ने दात।